जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करता नहीं। और आज दिनांक 20 जून के आप सबके बीच में लेकर आगे बनी खास खबर। तो वीडियो चालू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करम कि अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो लाल कलर के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी भी दबा दी। भोजपुरी से जुड़ल छोट पर खबर लेकर आवत रही ला। तो सबसे पहल का खबर निकल के आ रहा बा पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दें कि बहुत लोग सवाल करता कि पवन सिंह के बोलबम के गाना आई कि ना आई। तो आप सबके बता दें कि पवन सिंह जी के देवी गीत और बोलबम गाना जरूर आवेला। पवन सिंह दुनिया के कोनो कोना में रहस बाकि ई दूगो सीजन में गाना गावल ना भूलेलन। वहीं पे दूसरा खबर निकल के आ रहा बा, वो आ रहा बा पवन सिंह जी के भाई यानी कि ऋतिक सिंह जी के तरफ से। आप सबको बता दी कि ऋतिक सिंह के कल एक गाना रिलीज भइल बा जौन गाना के बोल बा नजरिया दिहलस, जौन कि आप सब जाके TF भोजपुरी चैनल पे जाके ई वीडियो के देख सकते हैं। जब फुल HD में ई वीडियो के डाल देवल गई बा। वहीं पे तीसरा खबर निकल के आ रहा बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के एक फिल्म साइन की लहन जौन फिल्म के नाम बा शंकरा। जौन फिल्म साइन कर ले बने कोनो भी अभी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं के निकल के आई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मानी तो खेसारी लाल यादव जी ई फिल्म के साइन कर ले बने। और इस सब फिल्म आप सबके 2020 यानी कि अगला साल आप सबके ई फिल्म देखे के मिल जाए। वहीं पर चौथा खबर निकल के आ रहा बा, वो आ रहा बा अरविंद अकेला कल्लू जी के तरफ से। आप सबके बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू जी के एक बोलबम के पोस्टर आप सबके बीच में डाल देवल गई बा, जौन कि बहुत जल्द इनकर बोलबम के गाना आवेला बा। वो गाना आई आप सबके बीच में TF फिल्म भोजपुरी पे, जौन गाना के बोल बा भौजी चलो ना देव घर, जौन कि मधुर आवाज में गैले बने अरविंद अकेला कल्लू। वहीं पे आंतरा सिंह प्रियंका। तो ई आप सबके बहुत जल्द यह सबके TF भोजपुरी पे देखे के मिल जाए। वहीं पे अगला खबर निकल के आ रहा बा पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पवन सिंह के फिल्म सफल जौन कि भोजपुरी में नेक्स्ट सबसे बड़ा बजट वाली फिल्म बन के निकले वाला बिया। तो आप सबके बता दी कि ई फिल्म आप सबके मलेशिया में शूट कल जाए। डेट निकल रहा है कि 17 तारीख के ही पावर स्टार पवन सिंह जी के पूरा टीम मलेशिया पहुँच जाए, लेकिन अभी मलेशिया नहीं के पहुँचल। आज 20 तारीख है, लेकिन उनका लोग टीम अभी मलेशिया नहीं के पहुँचल। अब देखा जाओ कि नेक्स्ट तारीख कब निकल के आवता कि पवन सिंह जी मलेशिया पहुँचता ना लोग। वहीं पे आखिरी खबर निकल के आ रहा बा कल्लू जी के तरफ से। आप सबके बता दें कि कल्लू जी के एक फिल्म जौन फिल्म के बोल बा पत्थर के सनम, जौन कि आप सबके बीच में 28 जून के रिलीज कर दे जाए आप सबके नज़दीकी सिनेमाघरों में। एमे आप सबके नज़र आई हैं कल्लू जी, वहीं पे यामिनी सिंह जी भी इस फिल्म में नज़र आवेला बड़ी। तो 28 तारीख के आप सबके नज़दीकी सिनेमाघर में पत्थर के सनम लग जाए। तो इस समय आप सब कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबके आज के खास रिपोर्ट में सबसे अच्छा खबर के का लागल है। जय हिंद, वंदे मातरम।